बिहार के शिक्षा व्यवस्था का पोल खोलने वाला ये खबर, जिसे सुनने और देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग चौंकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पूरा यकीन ही है कि बिहार के शिक्षकों का यही स्थिति है। 97% टीचर हो गए फेल। कितना परसेंट? 97, यानी 100 में 3% टीचर पास हुए हैं और 97% टीचर फेल हो गए हैं। बीपीएससी ने हेडमास्टर भर्ती में खुली पोल, सोचिए आपके बच्चे का क्या होगा। जिस स्कूल में शिक्षक फेल हो जा रहे हैं, उस स्कूल में बच्चों को कैसे पास कराया जाएगा, उसका जीता जागता उदाहरण यह तस्वीर है। और जब गूगल पे जाके हम लोग सर्च मारते हैं बिहार एग्जाम एग्जामिनेशन, तो यह सारा तस्वीर आता है। देखिए, बिहार एग्जामिनेशन सर्च मारे हैं, यह सारा तस्वीर आया है, क्योंकि बिहार का एग्जाम जो है ऐसे ही होता है, देख सकते हैं। अब इसके लिए बच्चे दोषी नहीं है, इस दृश्य के लिए बच्चे दोषी नहीं है, कहीं नहीं तो कहीं इस दृश्य के लिए 97% फेल होने वाले टीचर दोषी हैं। आर्मी में जब आप फिजिकल फिट नहीं होते हैं तो आपको जो है वीआरएस दे दिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी आजकल जो है वीआरएस देना शुरू कर दिया गया है, अगर आप फिजिकल फिट नहीं है तो, नए नियम के अनुसार। तो अगर टीचर जो है मेंटली फिट नहीं है, अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, वो खुद पास नहीं हो सकता है, तो उसे वीआरएस क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है। 6421 पदों पर बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती 2022 में होनी थी, 6000 पद रह गए खाली, सिर्फ और सिर्फ 421 टीचर हो पाए हैं पास, सिर्फ 421, और 6000 फेल हो गए, 6000 पद खाली हो गया है। और देखिए ध्यान से, 12000 टीचर ने भरा था, सिर्फ 12000, और सीट था 6421, यानी हर दो में से एक पास हो जाने वाला था। और यहां पे युवाओं के रोजगार के लिए अगर 50 सीट आता है तो उसके लिए 500 फॉर्म भरा जाता है, 5000 सीट आता है तो उसके लिए 5 करोड़ लोग फॉर्म भर देते हैं, 5 करोड़ लोग 500 सीट के लिए फॉर्म भर देते हैं बिहार में बच्चे। और यहां पे देखिए, टीचर के लिए कितना सारा ऑप्शन है, लेकिन बिहार में रोजगार के लिए जब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए वैकेंसी आता है तो 500 सीटों पर वैकेंसी आता है तो 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और 5000 सीटों पर वैकेंसी आता है तो 5-5 करोड़ बच्चे जो है फॉर्म भर देते हैं। यह है सच्चाई। अब यहाँ पे जो है एक खबर है, उस खबर को मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक बार फिर से बिहार में शिक्षा की बदहाली का आलम सामने आया है। यहाँ पे जो है 4 अगस्त 2022 की शाम बिहार के हेडमास्टर भर्ती का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया, बीपीएससी ने जारी किया, 97% टीचर फेल हो गए हैं। 13,500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यहाँ पे अभ्यर्थी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे टीचर लिखना चाहिए, और 13,500 में से जो है सारे के सारे फेल हो गए, सिर्फ और सिर्फ 421 पास हो पाए हैं। तो जो फेल हुए हैं उनको हमेशा के लिए फेल कर देना चाहिए। अब जरा बताइए, इस प्रकार के स्कूल में बिहार का कौन गार्जियन जो है अपना बच्चा को पढ़ाना चाहेगा, जरा सोचिए। और ऐसे ऐसे स्कूल में जब पत्रकार जाते हैं तो टीचर बदतमीजी पत्रकारों से करते हैं, हालांकि मेरे साथ नहीं करते, हमारे साथ कर देते हैं तो हम रेल देते हैं, और ऐसा रेलाई रेलते हैं ना कि उन लोगों को जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन जो अच्छे टीचर हैं, वो अच्छे टीचर भी जो है ना इन लोगों के चक्कर में बदनाम हो रहे हैं, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, वो सरकार है, जो 2,000 रुपया महीना पे टीचर का बहाली जो है आज से 7-8 साल पहले की थी, 2,000 रुपया पे टीचर का बहाली, और मुखिया के अंडर में छोड़ दिया था। अब मुखिया जो है गांव का जो सबसे लफुआ आदमी होता था, सबसे लफुआ, जो दिन रात दूसरे की बहन बेटी पर लाइन मारता था, वैसे वैसे लोगों को टीचर बना दिया गांव का मुखिया। अब वैसे वैसे लोग आए और वैसे वैसे ही लोग जो है ना बच्चों को लेके भाग जाते हैं, छात्राओं को लेके भाग जाते हैं, अक्सर आप लोगों को देखने को सुनने को मिलता होगा। और उनके चक्कर में जो है ना, जो अच्छे टीचर हैं, जो बढ़िया से पढ़ाते हैं, जो गुरु कहलाने के लायक हैं, उन्हें भी गाली सुनना पड़ता है। ये है सच्चाई। 97% टीचर फेल हो जाएंगे तो बिहार का अपमान होगा कि नहीं होगा? ये बिहार वो धरती है जहां से सबसे ज्यादा IAS IPS पैदा होते हैं, ये बिहार वो धरती है जहां से सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं,
ये बिहार वो धरती है जहां से सबसे ज्यादा जज बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और वहीं बिहार में जो है टीचर ही फेल हो जा रहे हैं। जरा सोचिए, इसके पीछे सरकार का ये मंशा है कि बिहार के गार्जियन बच्चों को बिहार में ना पढ़ाएं, और सरकार का एक और मंशा है कि सारे चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। सरकारी स्कूल का टीचर पास ही नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम सरकारी स्कूल सरकार, और सरकार जो है प्रॉपर जो है लोगों से पूछेगी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, तो लोग कहेंगे नहीं होता है, तो चलो हम इसको बेच देते हैं, इस कंपनी के हाथों बेच देंगे, वो कंपनी जो है आपको बढ़िया से पढ़ाएगा और फ्री में पढ़ाएगा। सरकार क्या बोलेगा, फ्री में पढ़ाएगा, तीन साल तक वो फ्री में पढ़ाएगा, उसके बाद से जियो वाला टैरिफ जब उसका चालू होगा तब लोगों को पता चलेगा। तो स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे है। आप एम्स में चले जाइए आपको पैसा देना पड़ता है, आप पटना के आईजीआईएमएस में चले जाइए आपको पैसा देना पड़ता है, एमआरआई सीटी स्कैन दवा का मेडिसिन का और बोन मैरो ट्रांसप्लांट लीवर ट्रांसप्लांट बहुत सारा बीमारी है जिसमें ज्यादा पैसा लगता है उसमें पैसा देना पड़ता है, सरकारी बड़े बड़े अस्पतालों में देना पड़ता है। अब धीरे धीरे सदर अस्पताल में वही नियम लगाया जा रहा है, आप जाइए बिहार के किसी भी सदर अस्पताल में जाइए, आपका कोई भी चेक होगा बाहर पैसा देना पड़ेगा, बाहर पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा आपका चेक नहीं हो सकता है। आप जाइए देखिए, अब वही सिस्टम लगेगा बिहार का स्कूल में। धीरे धीरे जो है कंप्यूटर क्लासेस प्राइवेट कर दिया जाएगा, कंप्यूटर क्लासेस का टेंडर किसी को दे दिया जाएगा, कंप्यूटर पढ़ना है तो बच्चे जो है 60 रुपया देंगे, 70 रुपया देंगे, महीना देंगे। उसके बाद से जो है मैथ का क्लासेस जो है प्राइवेट कर दिया जाएगा, केमिस्ट्री का क्लासेस, फिजिक्स का क्लासेस, उसके बाद से धीरे धीरे पूरा शिक्षा व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार जो है इस रास्ते पे जो है अग्रसर हो चुका है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये बिहार सरकार की मैं बातें बता रहा हूँ, बिहार में जो शिक्षा का पोल खुला है, टीचर ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, जो अभी जो है कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है उसमें सभी इन्हीं शिक्षकों को भेज देना चाहिए था, सारे इन शिक्षकों को भेज देना चाहिए था, सारे जो है ना गोल्ड मेडल लेके आ जाते, बड़ा बड़ा 2-2 केजी का गोल्ड मेडल लेके आ जाते, 97% टीचर फेल हो गए हैं, जरा सोचिए। और सरकार इन सब चीजों पर चर्चा भी नहीं कर रहा है, और इसी के लिए जो है ना आरसीपी सिंह जदयू बीजेपी विवाद जो है बिहार में चल रहा है। ये दोनों रहेंगे साथ ही, सरकार बनाएंगे साथ ही, मलाई खाएंगे साथ ही, लेकिन बीच बीच में विवाद करते रहेंगे। अब देखिए बिहार में तो विपक्ष है ही नहीं, कभी विपक्ष का रोल बीजेपी निभाता है नीतीश कुमार पे अटैक करके, कभी नीतीश कुमार का पार्टी निभाता है बीजेपी पे अटैक करके, मतलब सत्ता में यही लोग हैं और विपक्ष में यही लोग हैं। और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के माननीय सबसे बड़े नेता हैं, वो क्या करते हैं, एक मार्च करते हैं, राजभवन तक जाते हैं, निकलते हैं राजभवन तक जाते हैं, अपने आवास से निकलते हैं राजभवन तक जाते हैं। तेजस्वी यादव जी इन सब चीजों पर चर्चा कीजिए, आवाज उठाइए इन सब चीजों पे, और आवाज नहीं उठाइएगा तो बिहार के लोग समझेंगे कि विपक्ष मरा हुआ है, विपक्ष मरा हुआ है। इन सब चीजों पे आवाज उठाना चाहिए, इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए, बिहार के लोग साथ आएंगे, लेकिन इन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं होता है। और क्या होता है, आरसीपी सिंह के पास जो है 56 गो जमीन का प्लॉट है, और उद्भेदन कौन करता है, वो जदयू वाले करते हैं। वाह रे वाह जदयू वाले, जब आरसीपी सिंह आपके साथ मलाई खा रहे थे तब आप कहां थे, जरा सोचिए। बिहार के लोगों को कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो है सत्ता दल वाले जो है ना पक्ष और विपक्ष दोनों का मलाई खा रहे हैं, और इन सब चीजों पे चर्चा नहीं कर रहे। इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए कि क्यों आपके शिक्षक जो है 97% फेल हो गए, आप ही ने बहाली किया था ना, और आप ही के शिक्षक 97% फेल हो गए, किससे सवाल किया जाए। इसके लिए लालू जी दोषी हैं, बुलाइए उनको, एक बार और जेल में डाल दीजिए, उनको एक बार और सजा दे दीजिए लालू जी को, लेकिन इसके लिए जो दोषी है उसको भी जेल में डालिए ना भाई, इसके लिए कौन है दोषी। ये 6431 पद पे बहाली होना था और उसमें से 6000 लोग नहीं आ पाए, 431 पद पे बहाली हो पाए। अब जरा सोचिए, आरक्षित श्रेणी में चुने गए 415 इनमें से जनरल से ज्यादा ओबीसी। बीपीएससी द्वारा जारी बिहार में हेडमास्टर मेरिट लिस्ट 2022 के अनुसार जिन 421 उम्मीदवारों का चयन हुआ उनमें से 415 अनारक्षित श्रेणी के तहत, अनारक्षित श्रेणी से चुने गए 415
अनारक्षित श्रेणी से चुने गए 415 लोग जो चुने गए 421 में से, वो अनारक्षित श्रेणी से थे। बीपीएससी द्वारा जारी बिहार हेडमास्टर मेरिट लिस्ट 2022 के अनुसार जिन 421 उम्मीदवारों का चयन हुआ है उनमें से 415 अनारक्षित श्रेणी के तहत पास हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 99 अभ्यर्थी हैं, जबकि ओबीसी के 103 और पिछड़ा वर्ग के 140 उम्मीदवार हैं सेलेक्ट हुए हैं। वहीं एससी एसटी कैटेगरी से 21 और एसटी कैटेगरी से एक अभ्यर्थी जो है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत पास हुआ है। जरा सोचिए, यह है बिहार का शिक्षा व्यवस्था। बिहार के गरीबों से विनती करना चाहता हूं, आपके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और आप ही सरकार बनवाते हैं, बिगड़वाते हैं। बिहार में 95% लोग मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आता है। 95% में से जो है 60% लोग अपने बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेज पाते हैं। वो लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो लोग एक बार प्रण ले लेंगे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सारा बदल जाएगा। फिर ये सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चीटिंग के लिए सहयोग नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखिए, तो विनती है आप लोगों से, ये 97% जो टीचर फेल हुए हैं उन्हें बिहार सरकार तुरंत प्रभाव से हटाए, तुरंत प्रभाव से हटाए। और नए जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो रोज धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में करना है, रोज करते हैं रोज, वो आ जाएंगे टैलेंटेड बच्चे ना, वो टीचर बन के अगर आ जाएंगे तो वो बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे, ये यकीन कीजिए आप। लेकिन टैलेंटेड बच्चों का चुनाव करना पड़ेगा जो अपने रोजगार के लिए गर्दनी बाग में रोज लाठी खाते हैं, रोज उन्हें मारा जाता है, रोज भगाया जाता है, लेकिन उनका कोई नहीं सुनता है। और ये जो फेल हो जाते हैं 97%, इनको जो है हेडमास्टर के लिए क्वालिफिकेशन के लिए एग्जाम किया जाता है। जरा सोचिए, और वो तो सही है बीपीएससी जिसका पोल पट्टी खुला है अभी 2 महीना पहले, वरना जो है वो सारे के सारे लोग पास हो जाते, सारा का सारा सीट भर जाता। अभी 2 महीना पहले जो है एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तो आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी का पूरा पोल पट्टी खुल गया। तो इसलिए बीपीएससी ने थोड़ा ईमानदारी से एग्जाम लिया है तो पता चला है कि 6000 लोग फेल हो गए। तो सरकार से विनती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने का प्रयास करें। जिस राज्य का शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था नहीं सुधार होगा वो राज्य जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और बिहार में ये तीनों चीजें जो है ना वो सबसे बद से बदतर स्थिति में है। शिक्षा सबसे ज्यादा खराब, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब, और न्याय तो गरीबों को बिहार में मिलता ही नहीं है। एक बूंद अगर दारू पी लेते हैं तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और 1000 लीटर जो है सड़कों पर जो शराब बेचता है उसके साथ कुछ नहीं होता, ये है सच्चाई। विनती है आप लोगों से कि एक प्रयास किया जाए बिहार को बदलने का, और एक प्रयास जो है हम सभी मिलकर कर सकते हैं। जय हिंद।